नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जनकरी इन हिंदी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी ऐसे राज जो आपको आमिर बनने में मदद करेंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और रेड घंटी को भी दबा दे ताकि आपको ऐसे जानकारी भरे वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों अमीर बनने की ख्वाहिश किसकी नहीं होती, लेकिन लाख मेहनत करने के बाद भी लोग इतना पैसा भी नहीं जुटा पाते कि अपनी रोजमर्रा की जरूरतें भी ढंग से पूरी कर सकें। दोस्तों वहीं मिडिल क्लास की बात की जाए तो वे ऐसी ऐसी चीजों में उलझ जाते हैं कि अमीर बनना तो दूर, रिटायरमेंट के लिए पैसे तक नहीं जुटा पाते। दोस्तों खुद के दम पर करोड़पति बने ब्रेन ट्रेन ने अपनी कहानी शेयर की है। कहा, इन चीजों पर कभी पैसे खर्च नहीं करने चाहिए, अमीर बनने का यही फॉर्मूला है। मैंने शुरुआत में वही गलती की जो मिडिल क्लास के लोग कर बैठते हैं, लेकिन जल्द ही पता चला और उसे सुधार लिया। आज यह शख्स अरबों का मालिक है। दोस्तों स्प्रेड ग्रेट आइडियाज के संस्थापक और सीईओ ब्रेन ट्रेन ने कहा, मिडिल क्लास लोग हमेशा यही सोचते हैं कि कुछ पैसे आ गए तो सबसे पहले घर गाड़ी खरीद ली जाए। कई बार ऐसी जगह निवेश कर देते हैं जहां से रिटर्न नहीं मिलता। मैंने भी यही गलती की थी। 20 साल की उम्र में जब मैंने अपनी पहली कंपनी बेची तो मिले पैसे गलत जगह पर निवेश कर दिए। मैं दिवालियापन की कगार पर पहुंच गया, लेकिन बाद में मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। भाग्यशाली हूँ कि उससे तेजी से सीखा, ट्रेन ने कहा। मैंने समझा सही इंक्वायरी और संतुलन के बिना फिजूल खर्ची किसी को भी कंगाल बना सकती है। अब मैं उन चीजों पर कभी पैसे खर्च नहीं करता। कारोबार की शुरुआत में मैंने जो गलती की वह अब नहीं दोहराना चाहता। मैंने उन गलतियों से सीख ली है, उसका नतीजा आज मैं करोड़पति हूँ। मेरे पास वह सब कुछ है जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों ब्रेन ट्रेन की इस समय कई कंपनियों में हिस्सेदारी है। वे ई कॉमर्स ब्रांडों में पूंजी और स्वेट इक्विटी में निवेश करते हैं। उन्होंने कहा, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आपको फिल्म, संगीत, चमकदार चीजों को खरीदने की सलाह देते हैं। इन्हें स्टेटस सिंबल बताते हैं, लेकिन दोस्तों आप जानकर हैरान होंगे कि ये लोग खुद कभी अपने पैसे से ये चीजें नहीं खरीदते, इन पर पैसा बर्बाद नहीं करते। आपका स्टेटस सिंबल वही होना चाहिए जो आप पहन सकें, जो गाड़ी आप चला सकें। अगर आपके पास पैसे हो तब भी इन पर पैसे बर्बाद न करें। सोचिए दोस्तों, अगर आपके खाते में पैसे होंगे तो ये चीजें तो आप कभी भी खरीद सकते हैं। डिजाइनर लग्जरी ब्रांड के पीछे कतई न भागें। गुणवत्ता और लागत के महत्व को जानें और समझें। फिजूल खर्ची देखने में अच्छी लग सकती है, लेकिन यह बर्बाद कर देती है। दोस्तों दूसरी चीज, मकान जरूरी चीज हो सकती है, लेकिन उसे सजाने पर फिजूल खर्च न करें, क्योंकि उसमें जो भी चीज आप लगाएंगे वह कुछ महीनों वर्षों में पुरानी होगी, जिसे देखकर आपको फिर बदलने का मन करेगा। यह सिलसिला लगातार चलेगा और आपका जेब खाली होता जाएगा। दोस्तों ज्यादातर करोड़पति लग्जरी घरों में निवेश करते हैं ताकि उन्हें ऊंची कीमत पर बेच सके या इसे किराए पर दे सके। आप भी यही प्रयास करें। रहने के इरादे से नहीं, कुछ कमाने के इरादे से निवेश करें। अमीर लोग फिजूल खर्ची से नहीं बल्कि लाभदायक पैसा बनाने वाली संपत्तियों में निवेश करके अमीर बनते हैं। दोस्तों क्रेन ने एक और चीज बताई। कहा, बेपरवाह लोग दो चीजें सबसे पहले खरीदते हैं। पहला, डिजाइनर बैग, ड्रेस और न्यू गैजेट, तेज चलने वाली कारें, फैंसी घर जैसा बहुत कुछ। दूसरा, अच्छी लाइफस्टाइल, ताकि सोशल मीडिया पर अपना प्रभाव दिखा सके। दोस्तों क्रेन ने कहा, हम मिडिल क्लास लोग बहुत ही ज्यादा दिखावा करते हैं और ये दिखावा इंस्टाग्राम पर अच्छा लग सकता है, लेकिन यह आपके संसाधनों को बर्बाद कर देता है। महंगी जगहों पर छुट्टियां बिताना, महंगे रेस्तरां में खाना खाना, निजी जेट या महंगी कारों में घूमना, हाई फाई एंटरटेनमेंट आपको कंगाल बना सकते हैं। दोस्तों आज आप अमीर हैं तो आपकी लाइफस्टाइल ऐसी होगी, लेकिन इनसे आप बर्बाद हो जाएंगे। इन सब के बजाय इन्वेस्ट करें, भले ही बचत फंड हो या शेयर, कहीं भी जहां से पैसा आ सके वहीं पर निवेश करें। रोजमर्रा की जरूरत पूरी करें, बाकी पैसा दिखावे पर बिल्कुल भी खर्च न करें। दोस्तों अगर आप ऐसा करेंगे तो आप जरूर अमीर बनेंगे, इसलिए अपने पैसे को ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों ये वीडियो बाकी लोगों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि उनकी भी मदद हो सके। तो दोस्तों मिलते हैं आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ख्याल। थैंक यू दोस्तों।